नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एचआरआई न्यूज पर। बड़ी खबर आपके लिए दोस्तों लेकर आए हैं। इस समय की जो बड़ी खबर निकल के आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, पीएम मोदी के दोस्त मुकेश अंबानी को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से हुआ है करोड़ों का नुकसान। दोस्तों खबर में आपको बताते चलें, रिलायंस रिटेल को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन के पक्ष में सुनाया फैसला। आज उद्योगपति मुकेश अंबानी को करारा झटका लगा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस रिटेल और किशोर बियानी की फ्यूचर ग्रुप के बीच हुई 24,713 करोड़ की डील पर रोक लगाते हुए अमेजन के पक्ष में फैसला सुनाया है। आपको दोस्तों बता दें, फ्यूचर रिटेल ने अपना पूरा बिजनेस रिलायंस रिटेल को बेच दिया था, जिसके विरोध में अमेजन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिलायंस के शेयरों में भारी गिरावट भी देखने को मिली आज। और इस पूरे मामले में केंद्र सरकार भी उद्योगपति मुकेश अंबानी की कोई मदद नहीं कर पाई, क्योंकि पूरी तरीके से केंद्र सरकार ने अपना रुख रिलायंस की ओर रखा था, रिलायंस के पक्ष में ही अपना जवाब लगाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए रिलायंस को तगड़ा झटका दिया है और अमेजन के पक्ष में फैसला सुनाया। मालूम हो कि रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की डील अगस्त 2020 में हुई थी, जिसका अमेजन ने विरोध किया था। उसका कहना है कि फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस के साथ डील करके उसके साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट के नियमों का उल्लंघन किया है। ये दोस्तों बेहद बड़ी खबर इस समय निकल के आ रही थी। पीएम मोदी के दोस्त मुकेश अंबानी को बड़ा झटका लगा है, करोड़ों का नुकसान। एक ही झटके में रिलायंस के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।